हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक परफेक्ट पूरन पोली महाराष्ट्रियन स्टाइल में। एकदम फूली फूली हुई, एकदम पूरी भरी भरी हुई, एकदम जाड़ी जाड़ी पूरन पोली। सारे टिप्स बताऊंगी। ये देखो कैसी फूली हुई और स्वाद में तो लाजवाब रहेंगी आपको तो। और इसको सर्व करते हैं हम घी और कढ़ी के साथ में। तो चलो हम शुरू करते हैं फटाफट से पूरन पोली बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले एक कटोरी चना दाल ली है, उसको हम 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे। अब धुल गई है तो थोड़ा पानी डाल के इसकी मीडियम फ्लेम पे 3 विसल लेंगे मीडियम फ्लेम पे। देखो अभी कुकर ठंडा हो गया है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसी गलनी चाहिए दाल। देखो ये दाल ऐसी गल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। वो पानी फेंकना नहीं है आपको, आप जो कढ़ी बना रहे हैं आप उसमें डाल दीजिए ये पानी, आपकी कढ़ी मस्त थिक बनेगी, ठीक है। ये पानी हम अलग से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो छलनी होती है हमारी, जो सूप स्ट्रेनर होता है हमारा, उसी में हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। बहुत लोग पूरन का एक स्पेशल वो आता है जिससे पूरन निकाला जाता है, वो पूरन बनने के बाद उसमें निकालते थे, पर अभी सभी के यहाँ वो चीज़ अवेलेबल नहीं रहती है, पर स्ट्रेनर जनरली सभी के यहाँ रहता है। तो स्ट्रेनर से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको मिक्सर में, हैंड मिक्सी है वो, घुमा देते हैं गरम गरम पूरन में, तो उससे भी वो एकदम बारीक हो जाती है। या फिर बहुत लोग इसको मिक्सर में भी मिक्स करके फिर इसको स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं, पर गरम गरम आप इससे निकालोगे स्ट्रेनर से तो 10 मिनट में आपका पूरा पूरन निकल जाएगा और एकदम महीन हो जाएगा वो, एकदम परफेक्ट। एकदम बारीक करना नहीं है हमको, स्ट्रेनर से निकाले हुआ दानेदार पूरन चाहिए तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखो ये हो गया हमारा पूरन। अब हम जो पूरन हमारा है उस पूरन को हम अब पूरन पोली का जो मेन प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। 2 बड़े चम्मच घी लिया है, शुद्ध गाय का देसी घी लीजिए बढ़िया से। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा जो हमने बारीक किया हुआ चने की दाल का, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। अभी ये बहुत ड्राई दिख रहा है आपको, पर अभी इसमें जब शक्कर और घी में मस्त हो जाएगा तब आपको लगेगा परफेक्ट पूरन। अभी हमको उसको सेकना है घी के अंदर। कैसे पता चलेगा कितना सेकना है, थोड़ा सा कलर में हल्का सा चेंज होगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ से कि कैसी आ रही है, पर बढ़िया से बेसन सेकते हैं ना वैसी खुशबू आती है। और हल्का देखो अभी थोड़ा थिक भी हो जाएगा वो और थोड़ा सा कलर में चेंज आएगा। इसको प्रोसेस को 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब जब वो हो जाए तब उसमें सेम जितनी चने की दाल आपने ली थी सूखी उतनी ही आपको शक्कर लेनी है। 1 कटोरी ली थी हमने तो 1 कटोरी, ये परफेक्ट स्वीटनेस रहेगा। काफ़ी लोग उसमें 1.25 कटोरी डालते हैं जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है। देखो अभी शक्कर पूरी पिघल गई, अब मेन काम है इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाना। मीडियम फ्लेम पे पकाए, हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो पूरा नीचे से लग सकता है। मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए मस्त पकाना है तो बढ़िया से। ये पकने को टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में ले जाऊंगी थोड़ा सा। अभी मैं 10 मिनट आगे बढ़ा देती हूँ वीडियो को। ये देखिए पूरन काफ़ी काफ़ी शुगर हमारी, अभी पानी जो था उसमें वो जल गया है। अभी हमको पता कैसे चलेगा कि पूरन बन गया, आप जिस चम्मच से उसको हला रहे हो वो चम्मच को आपको स्टैंड बाय रखना है सेंटर में। सपोज़ वो चम्मच गिर गया तो पूरन अभी होने का बाकी है। अभी देखिए मैंने इसमें डाल दिया इलायची पाउडर। आप उसमें इलायची पाउडर या फिर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो वो डाल सकते हैं। तो हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया। अभी हमने उसको बहुत देर और पकाया, 10 से 15 मिनट तक। अब हम खड़ा कर रहे हैं चम्मच तो थोड़ी देर स्टैंड बाय रह रहा है और देखो थोड़ी देर बाद गिर रहा है। तो आपको जब तक के आपका चम्मच पूरा स्टैंड बाय रहता तब तक के आपको, ये देखो गिर गया ना, तो जब तक आपका चम्मच स्टैंड बाय रहेगा तब तक के आपको इसको पकाना है। तो हम इसको पकाते रहेंगे अभी थोड़ी देर और। परफेक्ट पूरन इसी तरीके से बनाया जाता है। अब बहुत लोगों को शक्कर पसंद नहीं है तो मैं गुड़ का पूरन भी बनाना जल्दी सिखाऊंगी, बट कुछ नहीं सेम ही रहता है, सिर्फ इसको शक्कर की जगह गुड़ डालना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कुछ दिनों में रेसिपी, क्योंकि गणेश जी के लिए हम मोदक बनाएंगे उसके, तब वो वाली रेसिपी भी आपको ज़रूर शेयर करूंगी। अभी
जब वो टिकने लगा तब हमने इसको ठंडा करने रख दिया। अब हम पूरन पोली का जो ऊपर का कोटिंग होता है वो बनाएंगे। एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी मैदा, दोनों इक्वल अमाउंट में लिया है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी डेढ़ कटोरी गेहूं का आटा ले सकते हैं और आधा कटोरी मैदा। उसके बाद में इसमें डालना है नमक। अब हम रोज़ जब आटा लगाते हैं जितना नमक डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, यानी डबल डाल सकते हो आप नमक, जिससे क्या होगा आपकी पूरन पोली की पोली फटेंगी नहीं। और दो चम्मच तेल डाला है, ठीक है, एक कटोरी का एक चम्मच तेल, तो आपकी पूरन पोली फटेंगी नहीं नमक से और उस पूरन पोली में थोड़ा सा नमकीन स्वाद आएगा क्योंकि मीठी पूरन पोली है। और अब हमको उसका आटा कैसे लगाना है, ना ही ज़्यादा नरम रोटी के जैसा और ना ही जो हम तेल की पूरी बनाते तो कड़क बनाते हैं वैसा भी नहीं लगाना है, मीडियम आटा लगाना है। ये देखिए तो कितना पानी लगा, एक कटोरी में इतना पानी बचा है, इतना पानी लग गया और ये आटा हमारा लग गया। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा तेल से, एक चम्मच तेल से हम इसको और अच्छे से मलकर कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट तक के रख देंगे, तो इससे वो आटे में सॉफ्टनेस आ जाएगी और रोटियां बढ़िया से फूलेगी हमारी जो पूरन पोली है वो। अब हमको 10 मिनट के बाद छोटे में छोटे से जैसे हम रोटी बनाते हैं उतने ही साइज़ का गोला लेना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं बहुत बड़ा रोटी का जो गोला ले लेते हैं तो उसमें पूरन का स्वाद अच्छे से आएगा नहीं, ठीक है। ये देखिए अभी हमने लोया ले लिया, अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बना रहे हैं, देखो लंबा सा, ठीक है। अब हम जो पूरन हमारा है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, जब वो अच्छे से ठंडा हो गया तभी इसको हम पूरन पोली बनाना, गरम गरम पूरन पोली फट जाती है। ये ठंडा हो गया, अब इसका गोला बन गया, देखो गोला भी मैंने बढ़ा लिया है। अब इसको अच्छे से दबा के ये वाला ढकेंगे इसके ऊपर, इस टाइप से पूरन पोली बनाएंगे तो फटेगी भी नहीं और मस्त फूलेगी। अब हम कटोरी से क्या करेंगे, ये दोनों जो कोने हैं इनको निकाल देंगे एक्स्ट्रा का पार्ट और ये अच्छे से चिपक भी जाता है इस तरीके से, देखो कटोरी का गोल रख कर काट लिया, समझे। अब ये पूरा टाइट पैक हो गया और एक्स्ट्रा का और जो आटा था वो भी निकल गया, यानी आपकी जो ऊपर की जो लेयर रहेंगी वो एकदम पतली बनेगी। अब हम इसके थोड़ा सा आटा गेहूं का आटे से उसको बुरका के उसको बढ़िया से पहले हाथ से दबा लेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि कहीं से फटा हुआ आटा तो नहीं है, और हम इसको एकदम हल्के हाथ से बेल लेंगे। बढ़िया से हमारी पूरन पोली बेल गई। अब तवा गरम हो चुका है, अब तवे पे हम इसको तलेंगे। उसके पहले मैं आपको एक और स्टाइल से बताती हूँ, वो हो गया मेरा स्टाइल और जो कॉमन स्टाइल है जो जनरली यूज़ होता है, रोटी ऐसे बनाए गोल जो बाहर की जो लेयर है वो पतली हो, और अब अच्छे से बड़ा गोला बना के पूरन का इसके अंदर डालेंगे, अच्छे से गोल बना लेंगे उसका, और फिर इसके ऊपर रख कर सारी को सेंटर में लाएंगे अच्छे से, और एक्स्ट्रा का जो आटा है उसको रिमूव कर देंगे और अच्छे से पैक कर लेंगे पूरा। ये देखिए बस इस केस में क्या होता है कि एक साइड से थोड़ा सा झाड़ा लेयर आता है और एक साइड से थोड़ा नहीं आता, और जो पहले वाला बताई थी पूरन पोली उस साइड वैसे बनाओगे तो एकदम पतली ऊपर की लेयर रहेंगी सब साइड से। ये हमारी दूसरी स्टाइल से पूरन पोली रेडी है। अब मैं दोनों आपको सेक कर बताती हूँ, दोनों का अलग अलग है, फूलती पर ये ज़्यादा है, ठीक है, ये एकदम बढ़िया से फूलती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आटा ज़्यादा होता है और टेस्ट में तो मुझे वो बढ़िया अच्छी लगती है जो हमने कटोरी से बनाई। ये दूसरी साइड से बढ़िया से अच्छा घी लगता है और पूरन पोली खाई भी जाती है घी के साथ, तो बहुत सारा घी जाता है पेट में। डाइट वाले लोग तो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं ये चीज़, पर त्यौहार के दिन तो पूरन पोली का मज़ा ही कुछ और। बहुत लोग अभी जो पोला गया है उस दिन बनाते हैं, बहुत लोग गणपति में बनाते हैं, बहुत सबके अपने अपने फेस्टिवल के हिसाब से लोग बनाते हैं, और जो नहीं बनाते वो भी ये ट्राई कर सकते हैं कभी भी जब मन चाहे। अभी इसको हम अच्छे से पलट लेंगे। ये देखो ये कौन सी है जो हमने कटोरी से बनाई थी, ये भी फूलती है पर थोड़ी कम, ठीक है, क्योंकि इसमें से कभी ना कहीं कहीं से कहीं, ये देखो अभी मेरे से चम्मच लग गई थी तो फट गया, नहीं तो ये भी ऐसी टमाटर के जैसे फूलेगी। मैं आपको जो दूसरी है वो तो बताऊंगी अभी। ये दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे सेका है, बढ़िया से कड़क कड़क ऊपर की लेयर जो है वो बढ़िया से कड़क हो गई है। काफ़ी लोग एकदम नरम नरम सेकते हैं वो भी, पर जब आप गरम गरम खा रहे हो तो इसे थोड़ी ऊपर की लेयर देखिए, ये है दूसरी वाली
कैसे फूली एकदम बलून की जैसी, है ना। ये दूसरी वाली पूरन पोली थी और मैं आपको उसकी पूरी वीडियो बताती हूँ अभी। ये देखिए सपोज फट भी जाएंगी दूसरी साइड से तो भी उसमें से हवा निकलेंगी, पर देखो ये देखिए बढ़िया से ऐसे फूल गई थी कि इतने जितना हिस्सा तवे पे था उतना ही सीखा और बच्चे वह रह गया। हमने इसको कढ़ी के साथ में और घी के साथ में सर्व किया है। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड सभी को मेरा बाय बाय। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बाय।